क्यों दोस्तों, ज़रूरत है एक अच्छे हेयर ड्रायर की और आपका बजट भी कम है। तो दोस्तों आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा है थंबनेल में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं हेयर ड्रायर की अनबॉक्सिंग। 3 महीने इसका ट्रायल करने के बाद आपको इसके बारे में बताऊंगा कि आखिर कैसा है ये हेयर ड्रायर, और 3 महीने बाद करेंगे इसका रिव्यू। तो दोस्तों बिना किसी देरी के कर लेते हैं अनबॉक्सिंग और देख लेते हैं आखिर क्या क्या मिलता है इस हेयर ड्रायर के साथ और कैसा है ये हेयर ड्रायर। हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RC इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड में। मैं हूँ आपका दोस्त राहुल। दोस्तों ये है बॉक्स जिसमें आया है आपका हेयर ड्रायर। मैंने ये अमेजोन से ऑर्डर किया है, तो चलिए इसका कर लेते हैं रिव्यू और देख लेते हैं इसमें क्या क्या आता है। तो दोस्तों ऐसा कुछ ये अमेज़ोन की तरफ से बॉक्स आया है। तो चलिए इसकी पहले सबसे पहले टेपिंग कट कर लेते हैं। देखते हैं दोस्तों इसमें अब ये कुछ ऐसा बॉक्स है। दोस्तों कुछ ऐसा ये बॉक्स आया है हेयर ड्रायर का। चलिए पहले इसको साइड रख लेते हैं और देख लेते हैं इसमें और क्या है। दोस्तों ये हमें इसमें बिल मिल जाता है इसका। तो दोस्तों ये हेयर ड्रायर आया है 650 रुपये का। मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था रिव्यू करने के लिए। तो फिलहाल ही मैं इस बिल को साइड रख लेते हैं और देख लेते हैं इस बॉक्स में क्या क्या है। इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा हेयर ड्रायर, मेन पार्ट हमारे वीडियो का जो है ये हेयर ड्रायर। चलिए दोस्तों एक बार देख लेते हैं और कुछ क्या है इस बॉक्स के अंदर। तो इसको हम रख लेते हैं अब साइड ये बॉक्स। 1 मिनट, एक शायद और पेपर है इसमें ये छोटा सा। हाँ अब ये बॉक्स खाली हो चुका है तो इसको साइड रख लेते हैं। तो चलिए दोनों बॉक्स हटा लेते हैं साइड और दोस्तों देख लेते हैं क्या क्या है ये। दोस्तों ये आपको मिल जाता है वारंटी कार्ड इसमें। इसमें दोस्तों आपको ऊपर ही अगारो कंपनी की ब्रांडिंग मिल जाएगी और इसमें आपको मॉडल नंबर लिखा हुआ मिल जाएगा। मॉडल है HD1211। दोस्तों इसमें आपको 2 साल की वारंटी मिल जाएगी इस प्रोडक्ट में। और चलिए इसके अंदर देख लेते हैं और क्या है बाकी। इसमें मैनुअल्स हैं, जो भी इसके सिस्टम हैं वो इसमें आपको दिए हुए हैं, कैसे आपको यूज़ करना, हाउ टू यूज़, ये सिस्टम्स दिए हुए हैं इसमें। चलिए इसको तो मैं आगे रीड करके और उसके बाद आपको लाइव आपको यूज़ करके दिखाऊंगा। तो और बाकी दोस्तों इसमें ये 2 बार कोड दिए हुए हैं दोस्तों स्कैन करने के लिए। अगर आपको इस हेयर ड्रायर में कोई प्रॉब्लम होती है, बाई चांस कोई कंप्लेंट आती है, तो आप ये बार कोड आप स्कैन करके और इस पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं। और ये आपका जो कि 2 साल में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपका ये जो कि आपको ठीक करके दिया जाएगा। तो 2 साल की वारंटी है इस हेयर ड्रायर में। तो दोस्तों ये आप ये दूसरा स्कैनर जो है इसमें आप लिखा हुआ है इसमें 3 मंथ की आप वारंटी एक्सटेंड करवा सकते हैं इस स्कैनर को स्कैन करके। और इसमें कोई छोटा सा
फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा, कुछ उसमें इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी पड़ेगी, और इस हेयर ड्रायर की जो है कि एक फ़ोटो खींच के आपको उसमें फ़िलअप करना पड़ेगा, जो कि अपलोड करना पड़ेगा, और आपकी 3 महीने की वारंटी एक्सटेंड हो जाएगी, यानी कि 3 महीने की वारंटी आपकी बढ़ जाएगी। उस 3 महीने में भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो भी आपको ये जो है कि आपको रिपेयर करके दिया जाएगा। तो दोस्तों मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छी बात है जो शायद किसी प्रोडक्ट में मेरे ख्याल से शायद ही आता हो। तो और दोस्तों देख लेते हैं आगे इसमें क्या है, और दोस्तों बाकी ये इसमें और बाकी इसके जो भी प्रोडक्ट्स है बाकी उसके बारे में दिखाया हुआ है, तो बाकी इसको रख लेते हैं, इसमें और कुछ है नहीं देखने लायक, इसको रख लेते हैं अब साइड में। ये क्या है इसको देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें आपको दिया हुआ है आप 3 महीने नहीं बल्कि 6 महीने आप वारंटी एक्सटेंड करवा सकते हो, 6 महीने की एक्स्ट्रा वारंटी ले सकते हो इस बार कोड को स्कैन करके। 30 दिन के अंदर आपको इस बार कोड को स्कैन करना पड़ेगा, तो आप 6 महीने की वारंटी आप ले सकते हो एक्स्ट्रा। और बाकी इसमें कुछ फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं कॉल सेंटर के इनके, और वेबसाइट है, ईमेल आईडी वगैरह है। तो दोस्तों बाकी इसमें और कुछ नहीं है, इसमें आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी अगारो कंपनी की। तो चलिए इसको रख लेते हैं साइड और देख लेते हैं हमारा प्रोडक्ट जो है, ये प्रोडक्ट है। तो दोस्तों इसका लुक तो बहुत अच्छा लुक लग रहा है दोस्तों, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं कि कितना अच्छा इसका लुक है, कुछ इस तरीके से ये आता है। और ये आपको मैं बता दूँ दोस्तों कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है दोस्तों, और इसमें जिस प्लास्टिक का यूज़ किया गया है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है, और इसकी मोटर बहुत अच्छी क्वालिटी की मोटर है। और दोस्तों इसमें जो वेट है वो करीब 360 ग्राम वेट है, और इतना छोटा हेयर ड्रायर है ये, तो मेरे ख्याल से ये एक और बहुत अच्छी बात है। और इसका डिसेंट कलर है, कलर भी बहुत प्रीमियम कलर लग रहा है, बहुत डिसेंट है इसका कलर। तो दोस्तों इसका ये जो हैंडल है ये आप कुछ इस तरीके से आप बैंड कर सकते हो, अगर आपको इसको पैक करना है या फिर कहीं लेके जाना है तो इसको बैंड कर सकते हो, और इसको आप ये सीधा करके अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो। दोस्तों इजी टू कैरी है ये आपका हेयर ड्रायर, और इसकी जो लेंथ है 1.8 मीटर है, तो ये करीब करीब 2 मीटर की वायर है। तो दोस्तों ज़्यादातर हेयर ड्रायर्स में इतनी अच्छी वायर, इतनी अच्छी लेंथ की वायर नहीं मिलती है। और चलिए इसकी वायर की क्वालिटी देख लेते हैं दोस्तों, इसकी वायर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छे प्रीमियम क्वालिटी का वायर ये लग रहा है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं इसकी वायर की लेंथ बहुत अच्छी लेंथ है। तो दोस्तों इसमें आपको 3 मोड मिल जाएंगे दोस्तों, इसमें जो पहला मोड है वो है आपका जो कि ठंडा जो है कूल मोड है, यानी कि इसमें ठंडी एयर आपको मिल जाएगी, और दूसरा जो मोड है वो लो मोड है, यानी कि आपको लो पावर पे आपको एयर मिलेगी, बहुत हल्के पावर पे एयर मिलेगी, और जो तीसरा मोड है वो हाई पावर और हाई हीट पे हीट मोड मिलेगा आपको, तीसरे पावर में हाई हीट मिलेगा और बहुत तेज़ एयर मिलेगी। चलिए दोस्तों एक बार इसका टेस्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो ये है आपका पहला जो है मोड, वो ये है कूल मोड। और दोस्तों ये आपका दूसरा जो है वो है लो पावर मोड, और दोस्तों ये आपको तीसरा मोड मिल जाता है जो है हीट मोड। और दोस्तों इसमें आपको मैं बता दूं ये जो नोजल है ये साथ में आया हुआ है, इसी तरीके से लगा हुआ ये नोजल इस तरीके से दोस्तों आता है, अलग है, तो आप इसको नोजल को इसमें लगा के और अपने तरीके से आप कुछ इस तरीके से इसको लगा देंगे, और इसको अपने तरीके से जैसे मर्जी आप यूज़ कर सकते हैं, अपने सहूलियत के हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जिधर मर्जी घुमा के कुछ इस तरीके से ये घूम जाता है दोस्तों। और इसमें आपको मिल जाएगी 1100 वाट की मोटर आपको मिल जाएगी, 1100 वाट बिजली कंज्यूम करेगा ये, तो इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा भी बिजली कंज्यूम नहीं करेगा, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छी मोटर रहेगी ये, और अच्छा हेयर ड्रायर रहेगा। और दोस्तों बाकी इसमें कुछ है नहीं, और इसमें एक खासियत ये है कि ये अगर ज़्यादा हीट होने लगेगा तो इसमें ऑटो पावर ऑफ का सिस्टम है,
तो ये अपने आप ये हेयर ड्रायर दोस्तों बंद हो जाएगा। अगर ये ज़्यादा हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, तो ये अपने आप बंद हो जाएगा। और बाकी तो दोस्तों मैं आपको दिखाई चुका हूँ, और कुछ इसमें है नहीं देखने को। तो दोस्तों ये आपको अमेज़ोन पे इस टाइम 650 रुपये का मिल जाएगा, और बाकी तो आप जानते ही हैं इन चीज़ों के रेट फ्लक्चुएट होते रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो आप जिस समय आप ये वीडियो देख रहे होंगे, जिस समय आप बाय करेंगे, उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा। बाकी ज़्यादा कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, अभी 650 का ये प्राइस है। तो अब चलिए दोस्तों, अब मिलेंगे ठीक 3 महीने के बाद। मैं इसका रिव्यू करके बताऊंगा कि आखिर कैसा है ये हेयर ड्रायर और 3 महीने में मुझे क्या रिजल्ट देता है। तो दोस्तों आपका 3 महीने बाद एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम 3 महीने के बाद इसका करने वाले थे रिव्यू। तो दोस्तों मैंने इसको पूरे 3 महीने बहुत अच्छे से यूज़ करके, बहुत अच्छे से ट्रायल करके मैं आपके लिए 3 महीने के बाद ये रिव्यू लेके आया हूँ। दोस्तों जहाँ तक मैंने इसको ट्रायल किया है, जितने अच्छे से मैंने इसको यूज़ किया है, दोस्तों मेरी तरफ से बहुत अच्छा ये हेयर ड्रायर रहा है। 3 महीने में मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, बिल्कुल हैंडी ये हेयर ड्रायर है और इजी टू यूज़ है। दोस्तों आप इसको कहीं पे भी कैरी करके आप बहुत आराम से इसे ले जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत जो कि बहुत छोटा हेयर ड्रायर है और फोल्डेबल हेयर ड्रायर है, इस वजह से आप इसको कहीं पे भी कैसे भी आप कैरी कर सकते हो। और दोस्तों इसका कलर भी, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, कलर भी बहुत अच्छा कलर है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से इस रेंज में, इतने कम रेंज में, इससे अच्छा हेयर ड्रायर शायद ही आपको कहीं मिले। तो मेरी तरफ से रिकमेंड मैं अगर करूं तो ये बहुत अच्छा हेयर ड्रायर है दोस्तों। इसको अगर आप बाय करते हैं तो आपको किसी तरीके की कोई शिकायत नहीं होगी। दोस्तों अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और इसके साथ साथ कुछ और हेयर ड्रायर के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, क्योंकि कई बार होता है प्रोफेशनली हैवी यूज़ के लिए जो कि आपको ज़रूरत हो सकती है, कुछ हैवी यूज़ के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं हैवी यूज़ के लिए भी जो मेरी तरफ से रिकमेंड होगा वो मैं हेयर ड्रायर का लिंक डाल दूंगा, और कुछ इससे भी और लो बजट के हेयर ड्रायर का मैं लिंक डाल दूंगा। तो आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं और अमेज़न से आप बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये प्यारा सा हेयर ड्रायर अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और ये हेयर ड्रायर आपको अच्छा लगा या नहीं। और दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले, और ऐसी ही मज़ेदार अनबॉक्सिंग और रिव्यूज़ आप देखते रहें।